तो भारत बंद को देखते हुए आज राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि आज जैक की ओर से होने वाली 11वीं की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। 20 जून को होने वाली परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द होगी। सूबे के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने ये आदेश जारी किया है और इस आदेश को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेज दिया गया है। और हमारे साथ सहयोगी दीपक और अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी के पास चलते हैं पहले। अंजनी देखिए, भारत बंद का ऐलान किया क्या है और इस अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर कुछ संगठनों ने ये बंद बुलाया है, जिसका विपक्ष भी समर्थन कर रहा है इस बंद का, और इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। हाँ देखिए, इसको लेकर के लगातार जो है बंद का आयोजन हो रहा है। कल भी देखेंगे कि ये भारत बंद का ऐलान किया गया था और आज भी भारत बंद का ऐलान जो किया गया है उसको लेकर, यदि झारखंड की बात करें, राजधानी रांची की बात करें, रांची रेलवे स्टेशन की बात करें, तो तमाम जगहों में भीड़ भाड़ नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था पूरे झारखंड में हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। काफ़ी संख्या में जो फोर्सेस हैं उनकी तैनाती की गई है आरती। तो कहीं ना कहीं वैसे लोग, तमाम लोग विरोध में हैं, जिस तरह से मतलब भारतीय सेना में तीनों कमानों में जो है अनुबंध के आधार पे 4 वर्षों के लिए अग्निपथ योजना के तहत नौकरी देने जा रही है, जिसका 25 जुलाई से इसकी तमाम चीज़ों की शुरुआत होगी। लोगों को ऐसा लगता है जो आंदोलन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो नौकरी है वो बहुत उनके अनुसार बहुत बेहतर नहीं माना जा रहा है, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पिछले कोरोना संक्रमण से पहले सेना बहाली के लिए फिजिकल उन लोगों ने पास किया था, मेडिकल पास किया था, और उसके बाद रिटर्न जो परीक्षा है उसकी तिथि 4 बार बढ़ाई गई है। वो अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान हैं और ऐसे पूरे देश में लगभग देखेंगे तो 16 से 17 राज्यों में जो है ये आग फैली है और ट्रेन जलाए जा रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप आंदोलन जरूर करें लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को जला रहे हैं ये तमाम आंदोलनकारी, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से आप देखेंगे आरती पूरे भारत में लगभग 300 से ऊपर जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। यात्री परेशान हैं, कई लोगों को बाहर पढ़ने के लिए जाना था, कई लोग अपने इलाज के लिए बाहर जाते, कई लोग गर्मी छुट्टी मनाने के लिए कई जगहों में गए तो वापसी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को समझना चाहिए, सड़कों पर गाड़ियों की तोड़ फोड़ हो रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसका समर्थन जो है तमाम लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन लगातार हिंसा हो रही है, तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आंदोलन, लोकतंत्र में आंदोलन करने का तमाम लोगों को हक है लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए। आप समझिए कि इसके कितने इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक तो राजस्व का नुकसान भारतीय रेल को हो रहा है और इसके साथ साथ तमाम दुकानें जब बंद होती हैं तो बाजार में पैसे का फ्लो रुक जाता है, सामान जो है, जैसे अभी फल जो है, फल सड़ रहे हैं, सब्जियां जो है शहरों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि भले सरकार की नीतियों को के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन करने का तमाम लोगों को हक है लेकिन हिंसा जो हो रही है, बिल्कुल मतलब विरोध कीजिए, आप आंदोलन कीजिए लेकिन इसके लोकतांत्रिक तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाइए, ये हिंसा और ये उपद्रव कहीं से भी जायज नहीं है। दीपक देखिए, ये इस बंद को लेकर कल भी बंद था, आज भी बंद, और इस बंद को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो है यात्री, चाहे वो रेलवे से, रेल से जुड़े यात्री हो, ट्रेनों में बुकिंग उनकी हुई हो या फिर बसों से उनका आना जाना हो रहा हो, ये इस बंद का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। आप बस स्टैंड के पास है, यात्री परेशान है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल आरती, अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद बुलाया गया है आज विभिन्न संगठनों के द्वारा,
और हम इस वक्त रांची के ITI बस स्टैंड में हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चहल पहल है वो रोजाना की तरह ही देखने को मिल रहा है। बसों का परिचालन भी यहाँ हो रहा है और अब तक बात करें तो लगभग 15 से 20 बसों का परिचालन यहाँ से हुआ है। भारत बंद जिस तरह से बुलाया गया है और लगातार अग्नि जो परीक्षा है उसका लगातार विरोध भी लोग कर रहे हैं अग्निपथ योजना का, और यहाँ पर या जो यात्री है वो यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि कई यात्री ऐसे हैं जिसे अपना गंतव्य पर जाना होता है तो वो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन यात्री खासतौर पे जिन्हें जानकारी है आज भारत बंद का तो वो यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन कुछ यात्री ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है तो वो यहाँ पे आए हैं। जिस तरह से रेल का परिचालन पर भी रोक लगाया गया है, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है, तो उसकी वजह से भी यात्रियों की कमी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बंद का जो मिला जुला असर बोलते हैं वो यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। बसों का परिचालन हो रहा है और रोजाना यहाँ से लगभग 150 बसों का परिचालन होता है, अलग अलग जिलों में दूसरे राज्यों में भी यहाँ से बसें खुलती है, तो वो तमाम चीज़ें हो रही है। और जिस तरह से इस बंद के लेकर के जिला प्रशासन भी सतर्क है, कल ही सीनियर SP ने कई थाना प्रभारियों के साथ बैठक किया था, DSP को के साथ बैठक किया था और साफ निर्देश दिया है कि उपद्रवियों से हर कीमत पर उन्हें निपटा जाएगा, किसी भी कीमत पर उसे उपद्रवी फैलाने नहीं दिया जाएगा। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन के द्वारा की गई है और पूरे रांची में बात करें तो 2600 जवान को तैनात किया गया है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है और साथ ही साथ अगर बात करें तो आज स्कूल भी खुलना था और 9वीं और 11वीं का परीक्षा भी होना था, इस पर भी रोक लगा दिया गया है और तमाम सरकारी और निजी विद्यालयों को आज बंद रखने का आदेश दिया गया है सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से। तो इस तमाम स्कूलें आज बंद रहेगी क्योंकि सरकार बच्चों पर किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और जो यहाँ पर बसों का परिचालन हो रहा है या दुकानें खुली है तो वो कहीं ना कहीं रिस्क कवर करके खुले हैं, क्योंकि जब भी भारत बंद या झारखंड बंद होता है तो आप देखते होंगे कि जो ट्रेनों का परिचालन है उस पर भी बिल्कुल ट्रेनों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। देखिए अब इसी मामले में आप देखिए अग्निपथ को लेकर जिस तरह से विरोध हुआ, अग्निपथ स्कीम को लेकर सॉफ्ट टारगेट रेलवे को ही बनाया गया और करोड़ों का नुकसान हो चुका है रेलवे को, और इसलिए सबसे ज्यादा फोकस अगर किया गया है तो रेलवे सिक्योरिटी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी और दीपक हमारे साथ जुड़ने के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।